Hey guys, Assalamualaikum and welcome to Faraz Vlog. कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक है और आप लोगों की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक है. एंड कैसे हैं आप सब लोग? आपके वहाँ पे वेदर सब कैसा है? हमारे यहाँ पे तो अभी वेदर अच्छा हो रहा है और हम लोग अच्छा लग रहा है. ठंड और समर का हम लोग ठंड को टाटा बाय बाय बोल रहे हैं और समर को वेलकम कर रहे हैं बाय द वे. तो चलो, तो आज है ना मंडे, बच्चे तो स्कूल चले गए और धूप देखो कितनी अच्छी है और हमारे एलोवेराज, हमारे सब प्लांट्स ना अच्छे इससे ना ग्रो हो रहे हैं. आई हैव अ मेंट ओवर देयर, आई हैव लॉट्स ऑफ प्लांट्स. और यहाँ से विंडो के थ्रू आई डोंट थिंक देयर सी इधर है अपना डेफिडल्स, यहाँ से ना ग्रो हो रहे हैं. बहुत अच्छे प्लांट्स अभी ग्रो होने वाले हैं और वेजिटेबल्स भी अच्छे से ग्रो होने वाले हैं इंशाल्लाह. तो चलो, मैं गई थी सुपर मार्केट एक्चुअली, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, क्योंकि सी फूड थोड़ा सा प्रॉन्स ना ख़त्म हुए थे, तो मैं लेके आई हूँ थोड़ा बहुत और आप लोगों को अभी दिखाती हूँ और फिर आप लोगों के साथ कुकिंग भी करना. ये मैंगो है, ये फिलहाल कच्चे हैं तो आई होप ये पक जाए. तो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए ना मैंने एक बड़ा सा पैकेट ही लाया है जूस का. यहाँ पे बनानाज है और ये ना बहुत अच्छा काम करता है, ये वॉशरूम टॉयलेट बाथरूम क्लीनिंग के लिए है. ये मिल्क है और ये ना बच्चों के लिए थोड़ा सा मैंने ये स्नैक्स लाया है, ये कुछ 90 पाउच का है. और यहाँ पे अंडे है और यहाँ पे है श्रिम्स, झींगा, प्रॉन्स जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे है बेगल. इसने तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी कर दी आज मेरी, आज मैं लिटरली ना बहुत ही अपसेट हो गई इस चीज़ को लेके. ये वन बाय वन गेट वन फ्री था और बताती हूँ इसकी स्टोरी में क्या है. और यहाँ पे एकदम मिनी क्यूकम्बर्स मिल गए मुझे, तो मैंने बस ट्रायल करने के लिए लेके आई हूँ. यहाँ पे है डिसइनफेक्ट वाइप्स है, दो मैं लेके आई हूँ. ऑरेंजेस गुड फॉर हेल्थ, वहाँ पे क्लोरेक्स है बाथरूम क्लीनिंग के लिए. यहाँ पे ओरियो का डब्बा लेके आई हूँ. एंड द मोस्ट फेवरेट पार्ट, कोकोनट ऑर्गेनिक वाला, कॉकलैंड वाला, वो उठा के लेके आई हूँ. और यहाँ पे वाटरमेलन है. ओके, दैट इज इट फॉर टुडे. ओके, तो चलो आप लोगों को बताती हूँ बेगल की. इसको साथ में ही लेके खड़े रहूँगी ना, इसने बहुत बड़ा सा मस्ती मतलब तो बहुत बड़ा सा मुश्किल में डाल दिया. तो क्या हो गया, इस मुझे पता नहीं था कि ये एक लो तो एक फ्री में मिलेगा. तो हम लोग एक लेके काउंटर के पास चले गए, तो वहाँ पे जो अपना जो काउंटर पे बंदा था उसने बोला कि यू हैव टू बाय अनदर वन, एक पे एक फ्री है. और मेरे पास था कूपन कार्ड था मेरे पास कुछ तो डिस्काउंट वाला, तो मैं जाने तक और मैं लेके आने तक उसने ऑलरेडी पूरा स्कैन कर दिया. और उसने फिर बोला कि आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट योर अदर कार्ड. आई वाज लाइक, वी वर लाइक, हम लोग अभी लेके आई, मैं दो मिनट में नहीं लगे मुझे लेके आने के लिए, मैं भाग के गई, भाग के आ गई. तो इज़ लाइक नहीं, मुझे अब मैं नहीं स्कैन कर सकता आपका डिस्काउंट कार्ड, तो आपको पूरा पैसा पे करना पड़ेगा. आई वाज लाइक ओके, तो वी हम मैं और मेरे हस्बैंड ने रहने दो, चलो पे करके निकल के. यही था, उसने बहुत बड़ी हम लोगों को मुश्किल में डाल दी. बट एनीवेज, अभी बिस्मिल्लाह बोल के शुरू करते हैं. और आज मैं सोच रही हूँ कि मैं ना मटन है लास्ट पैकेट बचा हुआ थोड़ा सा, तो मैं उसका मटन का डालचा बनाऊँगी मेरे स्टाइल में. तो चलो चलते हैं. कोकोनट वाटर मैंने सोचा फ्रीज में रख देती हूँ, थोड़ा चिल्ड होगा तो पीने के लिए भी मज़ा आएगा. तो चलो अभी दूसरी चीज़ों में लग लग. तो यहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 1 पाउंड के आसपास ना मटन लिया है, उसको प्रेशर कुक करना है हल्दी, नमक, लेमन और थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट लगा के और सॉल्ट लगा के आपको 5 to 6 विसल लेना है. तो यहाँ पे मैंने चना दाल और तूर दाल लिया है हाफ आप कप. इसको आपको 3 to 4 टाइम्स वॉश करना है और इसको आपको अलग से थोड़ा सा 3 to 4 विसल लेके रेडी रखना है. फिर चलते हैं रेसिपी बनाने के. तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा पॉट लिया है, उसमें 3 to 5 टेबलस्पून ऑफ ऑयल डाला है और उसमें थोड़े से खड़े मसाले डाले हैं और करी लीव्स डाला है. खड़े मसाले सब थोड़ा सा कुक होने के बाद मैंने एक बड़े से 2 ऑनियन चॉप करके डाल दिया है. ऑनियन आपको अच्छे इससे सॉटे करना है टिल इट्स बिकम सॉफ्ट. वंस ऑनियन इज सॉटेड वेल, मैंने डाला है अपना बॉटल गार्ड, ऑलमोस्ट 1/2 कप मैंने डाल दिया है, जिसको कहते हैं कद्दू. और फिर मैंने डाला है 1 स्मॉल टमेटो. ये सब कुछ आपको अच्छे से सॉटे करना है, एटलीस्ट 70% वो सॉफ्ट हो जाए. फिर मैंने डाला है सिंपल से खड़े मसाले, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और लाल मिर्ची का पाउडर. आपको अच्छे से उसको सॉटे करना है. सब कुछ जब कुक हो गया मसाला, फिर मैंने डाला है इमली का पानी, जो कि पल्प होता है, वो मैंने अच्छे से 1/2 कप डाल दिया है, क्योंकि इसी का डालचे में ना इसी का फ्लेवर होता है मसालों का. बहुत ही बढ़िया बना था, मैंने कंटिन्यू हम लोगों ने ऐसे प्लेट में ऐसे डाल के खा लिया सबने. और ये इजी भी बनता है, ज़्यादा टेंशन नहीं है, ऑलमोस्ट 30 मिनट्स के अंदर ये रेसिपी बन जाती है.
तो जब मसाले सब कुछ कुक हो गए थे, जो मैंने मटन बॉईल किया था वो मैंने डाल दिया है। मटन डालने के बाद जो मेरी दाल भी बॉईल हो चुकी थी वो मैंने डाल दिया, और उस दौरान आप चेक कर सकते हो सॉल्ट आपको है कि नहीं, सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हो। और गार्निश के लिए मैंने क्या किया है, सिलांट्रो डाला है और मैंने थोड़ा सा तड़का लिया, और तड़के में मैंने यूज़ किया है छोटा सा ऑनियन चॉप किया हुआ, थोड़ा सा जीरा लिया है, करी लीव्स थोड़ा सा, और एक दो रेड चिली डाल के मैंने तड़का मारा है ऑयल में और ऊपर से डाल दिया, और झटपट आपका डालचा रेडी है। स्ट्रीट स्टाइल में या ढाबा स्टाइल में आप बोल सकते हो, मज़े का बनता है, डिलीशियस लगता है। इसके साथ आप राइस या जीरा राइस खा सकते हो। वी यूज्ड इट प्लेन राइस और हमें मज़े का लगा मेरे फैमिली को। आई होप यू लाइक इट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड रेसिपी डू गिव थम्स अप एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर ऑल सच गुड वीडियोज। टिल देन टेक केयर।